हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे डेट इज 12 मई 2020। डे है आपका ट्यूसडे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आज आपको कुछ टेस्ट समझाना चाहती हूँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपको वो समझ में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट टेस्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय टू, कि हम किसी भी नंबर को बिना डिवाइड करे कैसे पता करते हैं कि वो हमारा नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू, एक नंबर टू से डिवाइड हो सकता है इफ़ इट्स वन डिजिट इज 02468। यदि हमारी उसकी वंस वाली डिजिट जो है वो 02468 से डिवाइड हो रही है, तो सॉरी टू, अगर उसकी वंस वाली डिजिट हमारी 02468 है तो वो नंबर हमारा कंप्लीट टू से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 74328, तो ये हमारी इसकी वंस वाली डिजिट हो गई है। ये वंस वाली डिजिट 8 है जो इस नंबर में है। तो अगर ये नंबर हमारा जो वंस वाला है, ये हमारा 02468 है, तो पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, एक नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है इफ़ सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। यदि उसका सम, अगर वो जो नंबर है उसको अगर हम ऐड करते हैं आपस में और उसका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर भी हमारा कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 363, एक नंबर ले लिया है मैंने, इसका सम का मतलब है मैं ये जो डिजिट है इन्हें इन डिजिट्स को आपस में ऐड कर देती हूँ, तो 6 और 3 9 9 और 3 12 12 इनका आंसर आ रहा है ऐड करने के बाद। जिसे मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये कंप्लीट मेरा 3 से डिवाइड हो जाता है। यदि विदाउट लीविंग रिमाइंडर ये 3 से डिवाइड हो गया है, तो ये पूरा जो नंबर है यानी 363, ये मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। मुझे इस नंबर को डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 4, कि क्या ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, एक नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है इफ़ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। यदि इसकी लास्ट टू डिजिट हमारी 4 से डिवाइड हो जाती है, तो ये हमारा पूरा जो नंबर होता है वो हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर ये ले लिया है, इसकी लास्ट टू डिजिट यानी लास्ट टू डिजिट है मेरी 12। यदि मैं इसकी लास्ट टू डिजिट 12 को 4 से डिवाइड करके देखती हूँ, यदि इसकी लास्ट टू डिजिट मेरी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं, तो ये कम्प्लीट नंबर भी मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5, 5 से डिविजिबिलिटी करनी है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5, एक नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है इफ़ इट्स वन डिजिट इज 0 और 5। यदि इसकी वंस वाली डिजिट मेरी 0 और 5 हो, फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया है ये, इसमें हमारी ये वंस वाली डिजिट हो गई यानी कि 0, और 0 हमारी हमने बताया अगर वंस वाली डिजिट 0 या 5 है तो वो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, और इसकी वंस वाली डिजिट क्या है हमारी 0 है, तो ये नंबर मेरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का बोला है स्टूडेंट, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6, एक नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है इफ़ इट्स डिविजिबल बाय 2 एंड एज वेल एज 3। यदि हमारा कोई भी नंबर 2 और 3 से दोनों से ही डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ही नंबर ले रही हूँ मैं, 12। तो 12 में हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का था, लास्ट डिजिट हमारी 02468 होनी चाहिए जो कि है हमारी 2 है, और जो हमारा 3 का था वो था कि 1 + 2 इनको ऐड कर लें यानी कि 3 आ रहा है, 3 हमारा 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आता है, ये हमारा 3 का भी टेस्ट पास करता है, तो दैट्स वाई ये 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 का, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8, एक नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो सकता है इफ़ द नंबर फॉर्म बाई इट्स लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 8। यदि इसकी लास्ट 3 डिजिट हमारी 8 से डिवाइड हो सकती हैं, तो ये नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9, एक नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है इफ़ सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 9। यदि इसकी डिजिट जो सम करने पर हमारा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 990, इसका सम कर लेते हैं हम, 9 + 9 + 0 = 18, 18 मेरा 9 से डिवाइड हो जाता है,
तो ये हमारा नंबर कंप्लीट 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 का स्टूडेंट सिंपल एक सिंपल सा एक रूल, एक नंबर इज डिविजिबल बाय 10, 10 से डिवाइड हो जाता है इफ इट्स वन डिजिट इज 0। यदि इसकी वंस वाली डिजिट मेरी 0 है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल में आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसकी लास्ट वाली डिजिट जो कि वंस वाली है वो 0 है, तो दैट्स मीन ये नंबर मेरा 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का स्टूडेंट देखिए, नंबर इज डिविजिबल बाय 11, एक नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो सकता है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेस, इसके ऑड प्लेस वाली डिजिट और इवन प्लेस वाली डिजिट का अगर हम डिफरेंस करें और वो डिफरेंस 0 और 11 आता है, तो मेरा वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। इन्हीं के बेस पे स्टूडेंट मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपको समझाए हुए हैं, उन एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए स्टूडेंट। आप अगर इन एग्जांपल्स को ध्यान से समझ लेंगे तो आप पूरी एक्सरसाइज को बिना मेरी मदद के, बिना किसी की हेल्प के, आप उस पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ लिया एक एग्जांपल 128, मैंने यहाँ इसे 2, 4 और 8 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट चेक करके देखा है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी जो वंस वाली डिजिट है वो क्या है, 8, और हमने आपको बताया था यदि वंस वाली डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम करते हैं 4 से चेक, तो 4 का क्या था स्टूडेंट कि अगर लास्ट 2 डिजिट जो कि इसमें है 28, यदि वो 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 का क्या बताया था स्टूडेंट, यदि लास्ट 3 डिजिट, इसमें तो 3 ही डिजिट है लेकिन बहुत से नंबर होते हैं हमारे उसमें 3 से ज़्यादा डिजिट होती हैं, तो उसकी लास्ट की 3 डिजिट पीछे से यानी राइट साइड से आपको 3 डिजिट लेनी है, क्योंकि हम वहीं से 1s 10 शुरू करते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट आपको लेनी है जो 128 है इसमें, उसको 8 से डिवाइड करके देखना है, यदि वो हमारी 8 से डिवाइड हो रही है तो वो कंप्लीट नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट, 6,39,210, इसे मैंने यहाँ पे कुछ टेस्ट करके देखा है 2, 3, 5, 6, 10 और 11 से, तो हम सबसे पहले 2 से करके देखते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वन डिजिट इज 0, क्योंकि इसकी वंस वाली डिजिट क्या है मेरी, 0। 3 से हो रहा है, 3 से क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने देखिए आपको सम ऑफ डिजिट कर दिया है यहाँ पर, 6, 3, 6+3+9+2+1+0 दैट इज इक्वल टू 21 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज 7। 5 से डिवाइड हो रहा है, क्यों? बिकॉज वंस डिजिट इज 0, क्योंकि इसकी वंस वाली डिजिट हमारी 0 है, ये 5 के टेस्ट को भी क्लियर कर रही है। 6 से डिवाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाई, क्योंकि ये 2, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, दैट्स वाई ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है। 10 से डिवाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि बिकॉज लास्ट डिजिट इज 0, क्योंकि इसकी वंस वाली जो डिजिट है वो क्या है हमारी, 0 है। 11 से डिवाइड क्यों हो रहा है, देखिए स्टूडेंट, बिकॉज ऑड प्लेस डिजिट, देखिए मैंने सभी की यहाँ प्लेसेस दे दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीछे से दिए हैं मैंने, आप चाहे आगे से भी दे सकते हैं एज यूर विश स्टूडेंट। तो हमारी ऑड नंबर कौन से होते हैं जो हमारी 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि 1, 3 और 5, इसमें नहीं देखने इनकी प्लेसेस देखने हैं, तो 1 वाली डिजिट है हमारी 0, 3 वाली डिजिट है 2 और 5 वाली है 3, ऐड किया क्या आया 5। इवन प्लेस की डिजिट, इवन प्लेस में हमारे 1 नंबर पे है हमारा जो हमारे 2 है उस पे है हमारा 1, 4 पे है हमारा 9 और 6 प्लेस पे है हमारी 6, इन्हें ऐड किया 16 आया, इनका डिफरेंस निकाला 16 इवन प्लेस में से और प्लेस को माइनस के इज इक्वल टू 11। हमने आपको बताया था यदि डिफरेंस हमारा 0 या 11 है तो वो नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक वन मोर एग्जांपल लिया स्टूडेंट, ध्यान से देखिए 990, इसे 2, 3, 5, 6, 9, 10 और 11 से मैंने डिवाइड करके दिखाया है स्टूडेंट, और ये सभी से डिवाइड हो रहा है, बाकी जिनसे नहीं दिखाया है दैट्स मीन वो उनसे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, वो उनकी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 है, 3 से हो रहा है क्योंकि 9+9+0 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। 5 से हो रहा है वही कंडीशन, लास्ट डिजिट 0 है, 10 में भी वही कंडीशन पूरी कर रहा है वो। 6 से हो रहा है डिवाइड क्योंकि 2 और 3 दोनों से वो डिवाइड हो रहा है। 9 से हो रहा है डिवाइड क्योंकि 9+9+0 हमने इनको ऐड कर दिया है, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में रूल यही था, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम करने के बाद यदि जो नंबर निकल कर आता है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर हमारा 9 से डिवाइड कम्प्लीटली हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड हो रहा है 11 का, भाई इवन और ऑड प्लेस करके हमने यहाँ दिखाया है स्टूडेंट, तो देखिए आपको 0 आ रहा है इसका आंसर, और 0 और 11 अगर आता है तो वो कम्प्लीट नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आए होंगे, आप सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट को एक बार पढ़ेंगे ध्यान से समझेंगे, और उसके बाद जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4
चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फोर क्वेश्चंस में आपके कुछ पार्ट्स हैं, उन सभी को आप अपने आप अपनी नोटबुक में इंडिविजिबिलिटी टेस्ट की मदद से करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको यहाँ समझाया हुआ है स्टूडेंट्स, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन वन ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ एक ब्लैंक दिया हुआ है स्टूडेंट और बाद में एक नंबर दिया हुआ, तो यहाँ आपको एक तो स्मॉलेस्ट डिजिट सबसे छोटी डिजिट भरनी है और एक सबसे बड़ी डिजिट भरनी है, जिससे कि ये पूरा एक कंप्लीट नंबर बन जाए और वो हमारा कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ दो क्वेश्चन दिए हैं स्टूडेंट, मैंने आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया हुआ है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको खुद अपने आप करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए ध्यान से, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है हमारा सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसकी डिजिट्स का सम करना। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमने कसम कर लिया 6 + 7 + 2 + 4, यहाँ हमारी डिजिट नहीं है, मैंने उसे एक्स मान लिया स्टूडेंट, तो इनका एडिशन करके आ रहा है 19 प्लस एक्स वैल्यू नहीं है तो एक्स रख दिया। तो 19 के पास की एक ऐसी डिजिट देखिए जो मेरी 3 से डिवाइड हो जाती है, तो 19 के पास की एक ऐसी डिजिट है मेरी 21, क्योंकि उसके बाद फिर इससे बड़ी आती है और उससे छोटे में हमारे 18 आता है, हम माइनस तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें एडिशन के लिए बोला है, इसलिए 19 के बाद जो पहली डिजिट है जो 3 से डिवाइड हो जाती है वो है आपकी 21। तो मैंने x को यहीं छोड़ दिया है, 21 19 को दूसरी साइड ले गई हूँ तो वो माइनस की हो गई है, तो हमारा निकल कर आया है 2। तो दैट्स मीन जो सबसे छोटा नंबर जिसे मैं ऐड करूँगी तो मेरा नंबर बन जाएगा और वो कम्प्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 2। सबसे बड़ा नंबर होता है स्टूडेंट हमारा 9, सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होती है हमारी 9। यदि मैं इस नंबर में 9 को ऐड करके देखती हूँ तो मेरा 9 को ऐड करने के बाद ये नंबर बन जाता है, 19 में 9 को ऐड करूँगी तो नंबर बनेगा मेरा 28, जो मेरा 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैंने उसे कम नंबर 1 कम नंबर यानी कि 8 लेके देखा, 8 को ऐड किया तो मेरा 27 आ गया, तो 27 मेरा 3 से डिवाइड आराम से हो जाता है, क्योंकि 3 × 10 = 30 होता है, 30 के लिए यानी कि मैं इसमें 10 ऐड करती हूँ, जो कि मुझे डिजिट चाहिए सिर्फ 1, और 10 मैं ऐड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो ग्रेटेस्ट नंबर भी नहीं है। तो मेरा 9 ग्रेटेस्ट नंबर है, मैंने 9 करके देखा, 9 से डिवाइड नहीं हुआ, उसके बाद हमने 8 किया, 8 ऐड करने के बाद हमारा 27 आया, तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया आपका 8। तो दैट इज़ योर क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 11, ताकि वो नंबर हमारा, हमें एक ऐसे डिजिट इस ब्लैंक स्पेस में भरनी है ताकि हमारा नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ हमारा ये ब्लैंक दिया हुआ है 92389, बीच में जो ब्लैंक है वहाँ मैंने एक डिजिट भर दी थी जो कि मैंने सॉल्यूशन से निकाली है। तो हम सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमारा जो इसका फॉर्मूला है वो है कि सम डिफरेंस ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू एंड इवन प्लेसेस वैल्यू। तो मैंने यहाँ नंबर दे दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने क्या किया है, ऑड प्लेस की वैल्यू जो है हमारी 1 पे है हमारा 9, 3 पे है हमारी 3 एंड 5 पे हमारा 2, इन्हें ऐड कर लिया, और जो इवन किया यानी 2 पे 8, 4 वाली डिजिट जो नहीं थी हमारे पास हमने उसकी जगह x ले लिया है, और 6 पे हमारा 9 प्लस एक्स प्लस 8। तो हमने इन्हें ऐड, ऑड प्लेसेस को ऐड किया जो है हमारा 14 और इवन प्लेस को किया जो है हमारा 17। एक्स था प्लस में एक्स ले लिया क्योंकि एक्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। डिफरेंस निकाला, डिफरेंस में 17 इवन प्लेसेस माइनस हमने ऑड प्लेसेस किया, 17 प्लस एक्स माइनस में 14, 17 में से 14 को माइनस किया 3 प्लस एक्स बचा है। अब हमारा जो 3 प्लस एक्स है या तो अब इसके बाद जो हमारा आंसर निकल कर आना चाहिए तो वो 0 होना चाहिए या वो 11 होना चाहिए। 0 नहीं ला सकते क्योंकि हमारा माइनस में नहीं है, प्लस में है, हमें 11 लाना होगा। तो 11 बनाने के लिए स्टूडेंट क्या किया है हमने, हमने जो इनका डिफरेंस एडिशन करके जो आना है हमने वो 11 मान लिया है। उसके बाद मैंने एक्स को एज इट इज़ यहीं छोड़ दिया है, 11 जो मेरा इज इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड पे था, 3 को जो लेफ्ट हैंड साइड पे था मैंने वो राइट हैंड साइड पे ले गई हूँ, तो यानी मेरा माइनस का हो गया, प्लस की वैल्यू 11 में से 3 को माइनस किया 8। दैट मीन हमारे इस ब्लैंक में यदि मैं 8 भरती हूँ और उसके बाद इस डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करती हूँ तो मेरा आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको खुद करना है, अपने आप करना है, और जो बाकी के जो सवाल डिविजिबिलिटी टेस्ट थे उन डिविजिबिलिटी टेस्ट के मदद से आपको अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। आई होप आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें।